हेलो फ्रेंड्स, मैसेल्फ डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनी लैप्रोस्कोपिक सर्जन, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 15 इयर्स। बहुत कॉमनली क्वेश्चन हमसे ओपीडी में पूछा जाता है कि महीने बंद होने के बाद भी क्या प्रेगनेंसी हो सकती है क्या? तो हमारा जवाब है नहीं। यदि महीने बंद होने के बाद आपको प्रेगनेंसी की टेंशन है, तो हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर आपके महीने बंद क्यों हुए हैं और आपकी उम्र क्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि यदि आपके 50 साल के बाद महीने बंद हुए हैं तो वो मीनोपॉज है, और यदि 50 साल से पहले आपके महीने बंद हो रहे हैं यानी कि आपकी मीनोपॉज की उम्र नहीं आई है और आपके फिर भी महीने बंद हो गए यानी कि आप प्री मैच्योर मीनोपॉज हो गया है। प्री मैच्योर मीनोपॉज के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें कि ओवेरियन फेलियर हो सकता है या फिर आपका सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ओवरीज भी हो सकता है, यानी कि आपने किसी कारणवश ऑपरेशन करवाया और उसमें दोनों तरफ की अंडेदानी निकाल दी गई है, तो भी आपका प्री मैच्योर मीनोपॉज आ जाएगा। और कई बार ओवरीज काम करना बंद कर देती हैं तो ओवेरियन फेलियर के कारण भी मीनोपॉज आ जाता है, और जब ये ओवेरियन फेलियर 40 साल से पहले आ जाता तो प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर भी कहा जाता है। और कई बार जब यंग लेडीज़ में महीने बंद हो जाते हैं तो कई बार प्रेगनेंसी उनमें रूल आउट करना ज़रूरी होता है, और यदि आप बच्चे को दूध पिला रही होती हैं तो भी आपके महीने नहीं आ रहे होते, तो उसको लैक्टेशनल अमेनोरिया कहा जाता है, यानी कि दूध पिलाने के कारण आपके महीने बंद हो गए हैं। तो इन सभी स्थितियों में प्रेगनेंसी की जो रिस्क है वो अलग अलग होती है, यानी आपकी उम्र यदि 50 साल से कम है और अभी आपकी मीनोपॉज की उम्र नहीं हुई है और फिर भी आपके महीने बंद हो गए हैं, तो उसमें हमें कारण पता लगाना पड़ता है कि एग्जैक्टली कारण क्या है जिसकी वजह से आपका महीना बंद हो गया है। तो यदि आप बच्चे को दूध पिला रही हैं और दूध पिलाने के कारण आपको लैक्टेशनल अमेनोरिया हुआ है, तो डेफ़िनेटली आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। इस स्थिति में कभी भी ऐसा ना सोचे कि महीने नहीं आ रहे हैं तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, ऐसी स्थिति में प्रेगनेंसी डेफ़िनेटली हो सकती है। और यदि आप अपने रिलेशनशिप में एक्टिव हैं तो डेफ़िनेटली आपको प्रेगनेंसी चेक करते रहना होगा, यानी कि हर महीने या महीने में 10 बार बार 2-3 बार आपको प्रेगनेंसी चेक करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि महिला को पता नहीं चलता कि उसकी प्रेगनेंसी हो गई है और 3 या 4 महीने का बच्चा लेकर वो डॉक्टर के पास पहुंचती हैं। सेकंड केस हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं है और आपने लैक्टेशनल अमेनोरिया भी नहीं है, यानी आप बच्चे को दूध नहीं पिला रहे हैं, फिर भी आपके महीने बंद हो गए, यानी कि 3 से 6 महीने तक आपको महीना आया ही नहीं है, या आपको साल भर हो गया कि महीना नहीं आया। तो जनरली जब 3 से 6 महीने के 3 महीने तक महीने नहीं आते तो कई बार PCOD की शिकायत हो सकती है, या फिर टेम्प्रेरी कोई स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, जिसकी वजह से महीने नहीं आ रहे हैं, तो वो भी कारण होता है। ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, तो प्रेगनेंसी हो सकती है। और यदि आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है और आपको मीनोपॉज आ चुका है, यानी कि 50 साल के बाद आपको 1 साल से लगातार महीना नहीं आया है, तो हम इसको बोलते हैं कि मीनोपॉज आ गया है, और मीनोपॉज आने के बाद में जनरली प्रेगनेंसी नहीं होती है। अगला कारण हो सकता है कि आपकी बच्चेदानी अंदर से किसी प्रकार से डैमेज्ड है, जिसकी वजह से हार्मोन तो सही बन रहे हैं लेकिन आपकी बच्चेदानी अंदर से डैमेज होने के कारण या चिपक जाने के कारण महीने नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रेगनेंसी नहीं होती है। और यदि आपकी उम्र कम है, यानी कि 40 साल से कम है और आपका 1 साल से ज़्यादा हो गया महीना नहीं आया है, तो आप हार्मोन टेस्ट ज़रूर करवाइए, और हार्मोन टेस्ट करवाने से आपको ये पता चलता है कि आपकी ओवरीज काम कर रही है या नहीं कर रही है। यदि ओवरीज काम नहीं कर रही, यानी आपका FSH का लेवल बढ़ गया है और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन आ गया है, तो यानी कि ये प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर है, यानी कि ये ओवरीज काम नहीं कर रही है। तो ऐसी स्थिति में जब ओवरी से अंडा नहीं बनेगा तो बच्चा भी नहीं लगेगा, क्योंकि बच्चा लगने का सबसे पहला ज़रूरत होता है कि अंडेदानी में अंडा बनना चाहिए और फूटना चाहिए। ऐसी दोनों जब ये स्थिति यदि आपकी ओवरीज काम नहीं कर रही है तो डेफिनेटली फिर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो यानी कि आपको ये पता चल गया कि महीने नहीं आने के कई सारे कारण हो सकते हैं, और कारणों के हिसाब से इलाज होता है और उसी के हिसाब से आपका रिस्क है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी उम्र पे भी काफ़ी हद तक ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपका मीनोपॉज का उम्र नहीं है तो डेफ़िनेटली प्रेगनेंसी का रिस्क होता है, चाहे से महीने आए चाहे नहीं आए। लेकिन यदि आपका मीनोपॉज हो चुका है और मीनोपॉज की उम्र आपने क्रॉस कर ली है, तो डेफ़िनेटली प्रेगनेंसी होने के चांसेस काफ़ी हद तक नहीं होते हैं, क्योंकि जनरली जब मीनोपॉज आ जाता है तो मीनोपॉज आने का कारण होता है कि ओवरीज में फॉलिकल्स नहीं बनते हैं, यानी कि अंडे नहीं बनते, और अंडे नहीं बनने के कारण ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल अप डाउन होना चाहिए था वो नहीं बनता है, और इसी कारण से महीने आना बंद हो जाते हैं। और जैसे ही ओवरी से अंडे बनना बंद होगा तो प्रेगनेंसी भी नहीं हो सकती, क्योंकि जब अंडा बनता है, फूटता है, और जब नली से
बच्चेदानी के अंदर पहुंचता है तभी प्रेगनेंसी हो पाती है। इसलिए मीनोपॉज होने के बाद में प्रेगनेंसी होने की कोई चांसेस नहीं है। इसलिए यदि यदि आपका मीनोपॉज आ चुका है और उसके बाद आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो आपको प्रेगनेंसी का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, आप फ्रीली आराम से अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कर सकती हैं। इसलिए मीनोपॉज होने के बाद भी आप अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय कर सकती हैं, उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं होगी। और मैं ये समझूंगी कि जैसे ही महीने बंद हो गए और प्रेगनेंसी होने की टेंशन ख़त्म हो गई तो डेफ़िनेटली आप अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा एंजॉय कर सकती हैं। हाँ, उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आपको इंटरकोर्स से रिलेटेड आ सकती हैं जो कि आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकती हैं, क्योंकि मेनोपॉज आने के बाद में जब ईस्ट्रोजन का लेवल कम होता है तो वजाइना का जो अंदर का लेयर का थिकनेस है वो काफ़ी कम हो जाता है, उसका सप्पलनेस कम हो जाता है, उसमें नमी कम हो जाती है, ड्राइनेस बढ़ जाती है और इन सब चीज़ों के चलते कई बार इंटरकोर्स करने में दिक्कत आती है। इसलिए आप सिंपल सी जो ईस्ट्रोजन के ऑइंटमेंट्स आते हैं, क्रीम्स आती हैं, वो रात में एक बार अगर आप लगाती हैं तो अंदर का वजाइना का हेल्थ अच्छा बना रहेगा, उसका ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगा और सप्पलनेस भी बन जाती है। और इंटरकोर्स के टाइम पर आप नॉर्मल जो वजाइनल लुब्रिकेशन जेल आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको डिसकम्फर्ट नहीं होगा और प्रेगनेंसी की टेंशन तो ऑलरेडी आपको नहीं है, सो नाउ यू कैन एन्जॉय योर लाइफ फ्रीली एंड हैप्पीली। और आपको यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हम इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आपको वहाँ भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी, तो हमें इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन ज़रूर कीजिए। इससे रिलेटेड यदि फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।